आज नमस्ते सबको राधे राधे। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 9 निर्देशांक जानेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 10 है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1.1 -2.7 और 3.-3 संरेख है। अब यहां पर जो बिंदु दिए हुए बिंदुओं के निर्देशांक, जैसे 1.1 है उसको हमने क्या है कि a बराबर मान लिया, इसी तरह से -2.7 है इसको हमने b बराबर मान लिया, और 3.-3 है इसको हमने c बराबर मान लिया, ठीक है। दूसरा अपने को शर्त दी है कि ये बिंदु संरेख है। अब संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख यानी एक रेखा पर कम से कम 3 बिंदु स्थित, ठीक है, यानी एक रेखा के ऊपर कम से कम बिंदुओं की संख्या कितनी होनी जरूरी है, 3 होना जरूरी है। इसका मतलब वे बिंदु क्या है, संरेख होंगे, ठीक है। अभी अपने पास जैसे बिंदु ए बी और सी हमने इनको मान रखा है, लेकिन अपने को क्या है कि बिंदुओं को बताना कि ये बिंदु संरेख होंगे, ठीक है ना। तो संरेख का मतलब समझ में आ गया, संरेख यानी एक रेखा पर कम से कम बिंदुओं की संख्या 3 है, इसका मतलब दिए गए बिंदु संरेख होंगे। दूसरी बात यह है कि संरेख की दूसरी विशेषता यह है कि दो बिंदुओं का योग बल अगर माना कि तीसरे बिंदु के बराबर है, इसका मतलब दिए गए बिंदु संरेख होंगे, ठीक है। अब जिस तरह से हमने बिंदुओं को एक बिंदु के निर्देशांक दे रखे थे अपने को, इन बिंदुओं के निर्देशांक को हमने क्या किया, जैसे पहले बिंदु के निर्देशांक इसको हमने a बराबर, दूसरे बिंदु के निर्देशांक जो अपने को b बराबर, और तीसरे बिंदु जिसको हमने के निर्देशांक जो अपने को दिए इसको हमने c बराबर मान लिया। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, जैसे सबसे पहले अपने को क्या करना है, AB के बीच की दूरी, फिर उसके बाद में BC के बीच की दूरी, फिर उसके बाद में AC के बीच की दूरी अपने को याद करना है, ठीक है। बीच की दूरी वाला सूत्र लगा करके हमको क्या करना है, सबसे पहले दूरी ज्ञात करनी, जैसे सबसे पहले हमने क्या है कि AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी। अब बीच की दूरी ज्ञात करनी तो इसका सूत्र क्या है, अंडर रूट x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, सूत्र अपने को ध्यान में है। अब अपने को क्या करना है, AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो A के अंदर देखो आप 1.1 है, ये आपका एक इसमें क्या हो गया x1, और ये एक आपका इसमें क्या हो गया y1। इसी तरह से B बिंदु के निर्देशांक -2.7 है, तो -2 इसके अंदर क्या हो गया x2 हो गया, और 7 इसमें क्या हो गया y2 हो गया। इस तरह से अपने को मान करके अपने को क्या करना है, सूत्र में मान रखने। अब आपका सूत्र है अंडर रूट x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे। तो सबसे पहले वापस अंडर रूट की जगह अंडर रूट, अब आप देखो सबसे पहले x2 - x1, x2 बराबर है -2 - x1 बराबर 1, तो -2 - 1 का वर्ग प्लस वापस y2 बराबर क्या आ रहा है आपके, 7 आ रहा है, माइनस y1 बराबर क्या आ रहा है आपका 1, तो 7 - 1 का वर्ग। यानी अपने को क्या करना है, सूत्र में कुल मिला के मान रखना है, चिन्हों का भी अपने को विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बराबर वापस अंडर रूट की जगह अंडर रूट, अब आप देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस की स्क्वायर रूट गई, तो -2 - 1 क्या हो गया -3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में अपने को लिखना है, अंडर रूट के अंदर अपन लिखेंगे -3 का वर्ग, प्लस की जगह वापस प्लस, वापस ध्यान देखो आप 7 - 1 है, 7 में से 1 निकल के 6 है, तो यहाँ जाएगा आपके 6 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद वापस बराबर अंडर रूट के अंदर ही अपने को लिखना है, अब -3 का वर्ग है, यानी -3 को अपन -3 से गुणा करेंगे, तो क्या हो गया आपके -3 - 3 गुणा होके प्लस का 9 हो गया, प्लस की जगह ये प्लस, वापस 6 का वर्ग, 6 को 6 से गुणा किया तो 36, इस तरह से अंडर रूट 9 + 36 हो गया। अब वापस 9 + 36 का योग करेंगे, योग करेंगे तो बराबर में हमको वापस क्या लिखना, अंडर रूट 45, क्योंकि अंडर रूट क्या अंदर ही अंडर रूट 45 हो गया। अब अंडर रूट 45 के अपन टुकड़े करें, तो अभाज्य गुणनखंड करते 45 के, तो आपके टुकड़े क्या बन जाते हैं, ये
3 × 3 × 5 ये आपके अंडर रूट के अंदर ही है। अब यहाँ पर आपके क्या इसके अंदर की इनका जोड़ा बढ़ गया, तो जोड़ा बढ़ गया इसको तो अपन क्या करेंगे इसमें से एक अंक तो बाहर निकल जाएगा और बाकी आपके जोड़ा नहीं बन रहा है, जोड़ा किसका नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, इसको हम क्या करेंगे रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो इस तरह से आपके पास में ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, ए बी के बीच की दूरी हो गई 3√5। ठीक है, यानी हमको सबसे पहले क्या करना है ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ए बी के बीच की दूरी आई हमारे पास में 3√5। ठीक है, यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है ये जोड़ा बन रहा है, जोड़े की एक अंक तो बाहर निकल जाएगी और बाकी जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम क्या करेंगे रूट में रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ए बी के बीच की दूरी क्या हो गई 3√5। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे बी सी के बीच की दूरी, वापस सूत्र आपका ये कही और इसी प्रकार अपने को हल करना है बीसी के बीच की दूरी, तो हमारा सूत्र अपने को ध्यान नहीं है अंडर रूट x2 − x1² + y2 − y1² वर्ग। अब आपको बीसी को देखना है, बीसी में ये आपके बी बिंदु के जो निर्देशांक है माइनस तो हो गया आपका x1 और साथ हो गया इसमें y1, इसी तरह से सी बिंदु के निर्देशांक उसमें 3 ये x2 बराबर और −3 है ये y2 बराबर। अब हम क्या करेंगे सूत्र में मान रख देंगे बीसी के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, तो सूत्र में मान रखने पर बीसी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 − x1 बराबर x2 की जगह तो निकालते 3 माइनस की जगह −x1 बराबर क्या होगा −2 का वर्ग। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस की जगह प्लस, फिर उसके बाद में y2 − y1 y2 की जगह y2 कितना आ रहा है माइनस का 3 आ रहा। ठीक है, उसके बाद माइनस y1 बराबर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, माइनस को प्लस से गुणा कर रहे हैं इसलिए यहां पर −7, तो −3 − 7 का वर्ग हो गया। ठीक है, अंडर रूट में अपने को लिखना फिर बराबर वापस आप ध्यान दे दो 3 की जगह 3 लेकिन ये माइनस से गुणा हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों चिन्ह से गुणा हो रहा है, ये माइनस को अपन −2 से गुणा कर रहे हैं तो −-- गुणा हो गया क्या हो गया आपके प्लस का हो गया, तो 3 + 2 का वर्ग हो गया, फिर प्लस की जगह ये प्लस आ गया, ये दोनों माइनस की है −3 और −7 दोनों जुड़ के क्या हो गया −10 हो गया −10 का वर्ग। अंडर रूट में अपने को लिखना है फिर वापस बराबर। अब ध्यान देखो आप 3 + 2 तो 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, अंडर रूट में लिखना है लेकिन 5 का वर्ग 25 हो गया, तो अंडर रूट 25 उसके बाद प्लस की जगह प्लस −10 का वर्ग, −10 को −10 से गुणा किया तो −-+ और +10 को 10 से गुणा किया तो क्या हो गया 100 हो गया, इस तरह से अंडर रूट 25 + 100 हो गया। ठीक है ना, यहाँ अपने को ध्यान रखना है अंडर रूट के अंदर ही है लेकिन 3 और 2 को जोड़ा तो 5 लेकिन 5 का वापस वर्ग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये 25 आ गया, प्लस की जगह ये प्लस −10 का वर्ग कर रहे हैं यानी −10 को −10 से गुणा कर रहे हैं इसलिए ये प्लस के 100। अंडर रूट में अपने को लिखना है वापस 25 और 100 का योग करेंगे तो योग करने पर कितना हो गया अंडर रूट 125। अब 125 के अपन टुकड़े करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड यानी अंडर रूट 5 × 5 × 5। अब यहाँ भी आपके जोड़ा बन रहा है 5 का जोड़ा बन रहा है, इस 5 के जोड़े में से एक अंक तो बाहर निकल जाएगा, अब जोड़ा नहीं बन रहा है किसका नहीं बन रहा है 5 का नहीं बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे रूट के अंदर ही रहने देंगे यानी रूट 5। इस तरह से बीसी के बीच की दूरी हमारे पास में क्या हो गई बीसी के बीच की दूरी हो गई 5√5। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे एसी के बीच की दूरी ज्ञात है, एसी के बीच की दूरी पहले हमने क्या किया एबी ज्ञात किया है, एबी के बीच की दूरी निकाली फिर उसके बाद में हमने बीसी के बीच की दूरी निकाली, अब क्या करेंगे हम एसी के बीच की दूरी निकालेंगे, सूत्र आपका ये कहेगा एसी के बीच की दूरी निकालेंगे, सूत्र आपका वापस √x2 − x1² + y2 − y1 का वर्ग। अब आपको वापस एसी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ गया a, ये तो हो गया a आपका x1 और ये a हो गया आपका y1। इसी तरह से c बिंदु के निर्देशांक 3 − 3 है, ये 3 तो इसमें हो गया x2 और −3 हो गया इसमें y2। ठीक है, तब आपने को क्या करना है ac के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, तो ac बराबर सूत्र आपको ज्ञान में ही है, अब सूत्र में हम मान रख रहे हैं अंडर रूट की जगह अंडर रूट, अब आपने को x2 − x1 तो x2 बराबर आपके क्या रहा 3 और माइनस x1 आपका क्या रहा प्लस का 1 आ रहा, तो माइनस को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1, इस तरह से 3 − 1 का वर्ग हो गया, फिर उसके बाद
बाद प्लस बी देते हैं प्लस, वापस वाई टू माइनस वाई वन आ रहा है, तो वाई टू बराबर आपने क्या रहा माइनस का तीन आ रहा, और वाई वन बराबर क्या रहा आपका प्लस का एक आ रहा, लेकिन प्लस एक को अपन क्या करेंगे माइनस से गुणा करेंगे, इसलिए माइनस का एक हो गया, तो माइनस तीन माइनस एक का वर्ग हो गया। फिर वापस बराबर अंदर रूट भी अपने को लिखना है, लेकिन तीन में से एक निकल गया यहाँ पर, तो तीन में से एक निकल गया तो क्या बचा आपके दो बचा, दो का वर्ग प्लस की रह गया ये प्लस, दोनों ही माइनस की आ रही, माइनस का तीन और माइनस का एक क्या हो गया आपके दोनों जुड़ के माइनस का चार का वर्ग अपने को लगाना ही है, लेकिन लिखना अपने को अंडर रूट नहीं है। वापस बराबर की जगह बराबर, वापस देखो आप यहाँ पर दो का वर्ग, यानी दो को दो से गुणा करेंगे तो दो दूनी चार, प्लस की जगह ये प्लस, वापस माइनस चार का वर्ग, यानी माइनस चार को माइनस चार से गुणा करेंगे तो प्लस के सोलह, अंडर रूट भी अपने को लिखना है। वापस चार और सोलह का योग किया तो बराबर आपके कितना हो गया अंडर रूट बीस हो गया। अब अंडर रूट बीस के अपने को टुकड़े करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर अंडर रूट दो इंटू दो इंटू पांच, ठीक है। अब यहां भी आप देखो इसके अंदर दो का जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन रहा है इसका एक अंक तो अपन बाहर निकाल देंगे, अब जोड़ा जिसका नहीं बन रहा, जोड़ा किसका नहीं बन रहा पांच का नहीं बन रहा, इसको हम क्या करेंगे अंडर रूट में लिखेंगे, तो अंडर रूट पांच, यानी दो रूट क्या हो गया आपके पांच, ठीक है ना, दो रूट पांच क्या हो गया आपके एसी के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले एबी के बीच की दूरी, फिर उसके बाद बीसी के बीच की दूरी, फिर उसके बाद एसी के बीच की दूरी, तीनों के बीच की दूरी इस तरह से निकालने के बाद आप देखो एबी प्लस एसी बराबर बीसी, एबी के बीच की दूरी क्या है आपके तीन गुण पांच है, प्लस की जगह प्लस, एसी के बीच की दूरी क्या है आपके दो गुण पांच है, बराबर की जगह बराबर, बीसी के बीच की दूरी क्या है पांच गुण पांच है। इस तरह से हम एबी के बीच की दूरी और प्लस एसी के बीच की दूरी इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग कर रहे हैं, यानी तीन और दो कितना हो गया पांच हो गया, और रूट पांच ये रूट पांच, इस तरह से हम योग करने पर योग करेंगे तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो गया इन दोनों का योग पर बराबर किसके हो गया पांच रूट पांच के हो गया, ठीक है ना। जब दो बिंदुओं का योग पर तीसरे बिंदु के अगर बराबर आ जाता है इसका मतलब दिए गए बिंदु कैसे होते हैं संरेख होते हैं, ठीक है, यानी एबी एबी के बीच की दूरी और प्लस एसी के बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी का योग किसके बराबर आ रहा है बीसी के बीच की दूरी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब दिए गए बिंदु कैसे होंगे संरेख होंगे, ठीक है। तो इस तरह से दो बिंदुओं का योग पर तीसरे बिंदु के बराबर अगर आ जाता है इसका मतलब दिए गए बिंदु कैसे होंगे संरेख। आगे ध्यान दें, अब आपको ऐसे समय में क्या करना वापस होना इसी प्रश्न का दोहराव करना, लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, फिर उसके बाद ही हम क्या करेंगे इस प्रश्न का दोहराव करेंगे। दूसरा अपने को प्रश्न हल करते समय अपने को ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न आपका जिस तरह का, लेकिन उसके पहले अपने को क्या है उसकी शर्त अपने को ध्यान में होनी जरूरी है। जैसे अभी अपन ने इस प्रश्न को देखा, इस प्रश्न में क्या आ रहा था कि दिए गए बिंदु संरेख है कि नहीं है, तो संरेख के लिए आपको शर्त ध्यान में होना जरूरी है, यानी दो बिंदुओं का योग पर अगर तीसरे बिंदु के बराबर है इसका मतलब दिए गए बिंदु कैसे होंगे संरेख। संरेख यानी कि एक रेखा के ऊपर कम से कम बिंदु की संख्या तीन है, ठीक है। इसी तरह से अगर माना कि अपने को इस तरह से बिंदु दे देते हैं और अपने को कहते हैं कि बताइए कि ये बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, अब वर्ग के शीर्ष से अपने को ध्यान होना चाहिए वर्ग की विशेषता क्या है, तो वर्ग की विशेषता यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती है और उसके बाद में दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो अपने को अगर विशेषता ध्यान में है तो अपने को क्या करना है सीधा सा यही है कि अपने को बीच की दूरी वाला सूत्र लगाना और सबसे पहले चारों भुजाओं को अपन बराबर बताएंगे और इसी तरह से हम दोनों विकर्ण को बराबर बताएंगे, तो आपका क्या है कि दिए गए शीर्ष किसके हो जाएंगे एक वर्ग के हो जाएंगे। इसी तरह से अगर माने कि समबाहु त्रिभुज दे रखा है, अब समबाहु त्रिभुज की आपको विशेषता ध्यान में होनी जरूरी है, अब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होती है सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर इसका मतलब दिया गया त्रिभुज के साथ पर समबाहु है, तो यहां भी हम क्या करेंगे बीच की दूरी वाला ही सूत्र लगाएंगे। बीच की दूरी वाला सूत्र लगाने के बाद में अगर उनके बीच की दूरी तीनों जगह बराबर आ जाती है इसका मतलब दिया गया त्रिभुज के साथ आपका समबाहु त्रिभुज है। इसी तरह से अगर माने कि समकोण त्रिभुज दे रखे हैं और अपने को क्या है कि बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, जो कि भी बिंदु है जैसे एबीसी उनके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं और अपने को लिख दिया कि ये दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष
सदी की थी। तो अपने को यहां भी क्या कि समकोण त्रिभुज है, तब समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इन दोनों का योग करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। इसका मतलब दिए गए जो शीर्ष होंगे वो शीर्ष किसके होंगे, वो एक समकोण त्रिभुज के होंगे। तो इस तरह से यहां भी अपने को क्या है कि बीच की दूरी वाले सूत्र लगा करके अपन को प्रश्न को हल करना है। लेकिन अपने को अगर ऐसा प्रश्न दिया हुआ तो अपने को यहां पर यही ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार का प्रश्न है तो उसकी विशेषता अपने को ध्यान में होनी जरूरी है। दूसरा, अपने को ज्ञात करते समय अपने को बीच की दूरी वाले सूत्र लगा करके उसको हल, ठीक है, ध्यान में आ गया। अभी अपन ने इस प्रश्न को देखा था, इस प्रश्न में अपने को पूछा संरेख था, तो अपने को संरेख का इसका मतलब अपने को शर्त ध्यान में की, शर्त को ध्यान में रखते हुए अपने को इस तरह से प्रश्न को हल करना है। अब प्रश्न हल करते समय भी आपको क्या करना है, पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, दोहरा बराबर करेंगे, वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद इस प्रश्न को हम क्या करेंगे एसडब्ल्यू की कॉपी में बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।